So guys, welcome back to my channel. I hope every single person is doing great. As you all know, today is Wednesday and the time duration is around 11 a.m. in the morning. And right now I'm creating a session for you guys regarding the pollen appointment. Because the thing is, today is the peak time. Jaisa embassy kehti hai ya phir if I'll talk about VFS, Global Center. Agar wahan ke notification ke according ya unke standard operating procedure ke according, they say that कि वेंसडे के दिन स्लॉट्स आपके ओपन होते हैं 11 से 2 बजे तक का. अगर नोटिफिकेशन वगैरह देखें तो उन लोगों ने मेंशन करके बता रखा है. दे मेंशन दैट दे आर गोइंग टू रिलीज द स्लॉट्स ऑन वेंसडे फ्रॉम 11 a.m. टिल 2 p.m. अगर देखा जाए तो अभी पीक टाइम है. अगर आप देखो 10 मिनट बाद आपके स्लॉट्स ओपन होने के हाई चांसेस रहेंगे. बट द थिंग इज अगर आप 31 जनवरी को देखो यहाँ पे एक नोटिफिकेशन इन लोगों ने रिलीज करा दैट सेज कि आपके जो न्यू दिल्ली अपॉइंटमेंट के जो भी ज्यूरिडिक्शन है If I particularly talk about the Delhi jurisdiction, they say that आज जो आपका पीक टाइम होता है वेंसडे जिसमें आपका 11 से 2 बजे तक का स्लॉट्स आपके रिलीज हो सकते हैं. एंड देन द मेन कैच इन दिस एंटायर थिंग इज इन लोगों ने कोई पर्टिकुलर कैटेगरी के रिगार्डिंग नहीं बोला है. इन्होंने बोला है कि अगर आप नॉर्थ jurisdiction के अंदर चेक करोगे देन देर आर हाई चांसेज ऑफ गेटिंग द अपॉइंटमेंट. बट दे हैव एज आई सेड दे हैव नॉट मेंशन अबाउट द पर्टिकुलर कैटेगरी. अगर 11 से 2 बजे तक का देखो तो हाई चांसेज हैं. आप जितनी भी कैटेगराइजेशन है सबके अंदर आप चेक करके देखो एक बार. If you are looking for the work visa के अंदर चेक करो. एंड देन जो आपका अदर कैटेगराइजेशन है स्टूडेंट वीजा के अंदर भी हाई चांसेस है कि आपके अपॉइंटमेंट ये लोग रिलीज करें. एंड देन अपार्ट फ्रॉम दैट द थिंग इज अभी जो लास्ट वीक नोटिफिकेशन वगैरह निकला तो उसमें इन लोगों ने बोला है कि दे पर्टिकुलरली टॉक अबाउट द नॉर्थ ज्यूरिडिक्शन. अगर यहाँ पे देखोगे तो इन लोगों ने मैंशन करा दिल्ली ज्यूरिडिक्शन के लिए. और इससे पहले इफ आई टॉक अबाउट द लास्ट 31st of January जो लास्ट वेंसडे था उस दिन 31st January था तो उन लोगों ने एक नोटिफिकेशन निकाला था 3 बजे के टाइम पे आपके स्लॉट्स ओपन होने वाले हैं. एंड देन आप लोग अपने स्लॉट्स बुक कर सकते हैं. पर उस दिन भी उन लोगों ने कुछ पर्टिकुलरली मेंशन नहीं करा कि आपके नॉर्थ आपके साउथ ज्यूरिडिक्शन के अंदर किस कैटेगरी के अंदर आपके स्लॉट्स ओपन होने वाले हैं. सो द थिंग राइट नाउ राइट है इज दिस कि अगर कोई भी नोटिफिकेशन वगैरह निकालते हैं तो पर्टिकुलर कैटेगरी के अंदर ये लोग टारगेट नहीं करते. ये खाली एक जनरल इन्फॉर्मेशन यहाँ पे शेयर करते हैं. और लास्ट टाइम भी अगर बहुत सारे कैंडिडेट थे उन लोगों ने उनको रीच आउट करा एंड दे सेड कि अब जो आपका कैटेगराइजेशन था नेशनल स्टडी और नेशनल वर्क वीजा जो बहुत अभी ज़्यादा रिक्वायरमेंट में रहता है और इसके स्लॉट्स आपके कम रिलीज होते हैं. इसके रिगार्डिंग अगर वीएफएस वालों से बहुत कैंडिडेट ने बात करी तो उनका रिवॉर्ड वहाँ से ये आया कि उस दिन स्लॉट्स उन लोगों ने रिलीज करे बट दे हैव रिलीज द स्लॉट्स इन पर्टिकुलर कैटेगरीज नॉट पर्टिकुलरली इन आपके वर्क वीजा और स्टूडेंट वीजा के अंदर. और आज का भी देखें तो आज भी इन लोगों ने कुछ ऐसा मेंशन नहीं कर रखा है. अगर वेंसडे के अंदर वो लोग कुछ एक पर्टिकुलरली नहीं बोलते हैं कि जो आपके स्लॉट्स हैं एक कैटेगरी के अंदर आपके रिलीज होते हैं. दे से दैट किसी भी कैटेगरी के अंदर वो लोग आपके स्लॉट्स रिलीज करते हैं. और जनरली वो लोग कहते हैं कि आप जितनी भी कैटेगरीज हैं सबके लिए हम लोग स्लॉट्स रिलीज करते हैं 11 से 2 बजे के अंदर. सो द मेन मोटिव ऑफ मेकिंग दिस वीडियो इज सो टुडे इज अ पीक टाइम और हो सकता है चांसेस हैं कि आपके स्लॉट्स वगैरह रिलीज हों. क्योंकि पीछे अगर लास्ट 3 महीने की बात करूं इफ आई टॉक अबाउट दिसंबर जनवरी और फेब मंथ की अगर आपको इन्फॉर्मेशन वगैरह शेयर करूं तो स्लॉट्स जितने रिलीज होने थे उतने स्लॉट्स आपके रिलीज नहीं हुए. एंड देन अपार्ट फ्रॉम दैट जो क्वांटिटी थी बहुत लिमिटेड क्वांटिटी में अगर आपके स्लॉट्स कभी इन लोगों ने रिलीज भी करे तो बहुत कम लिमिटेड क्वांटिटी में स्लॉट्स रिलीज हुए हैं. तो फिर आने वाले टाइम पे सो देर आर हाई चांसेस ऑफ गेटिंग द मैनुअल अपॉइंटमेंट. तो आप चेक करते रहो फिर आपका मंथ है मार्च का आएगा और आज वेंसडे है आज भी एक बार आप चेक करके देखना. अभी क्या करता हूँ मैं आपके साथ ही एक बार लॉग इन करके आपको शो कर देता हूँ साइट इज वर्किंग फाइन और नॉट. आई चेक द वेबसाइट्स वेबसाइट आपकी प्रॉपर वर्क कर रही नहीं कर रही इसके रिगार्डिंग एक बार चेक करके देखते हैं. अपार्ट फ्रॉम दैट फिर देखते हैं अभी क्या सिनेरियो है. क्योंकि 11 बजे आपका जो पीक टाइम रहता है होने वाला है और एक बार मैं लॉग इन करके आपको बता देता हूँ. अदरवाइज आप लोग भी चेक करते रहो और कॉमेंट सेक्शन में अपडेट करते रहो. अगर 12 बजे तक आपके कोई स्लॉट्स ओपन होते हैं तो फिर आप लोगों की एक हेल्प हो जाएगी. और जो भी लोग अपॉइंटमेंट अभी सर्च कर रहे हैं बहुत लॉन्ग टाइम से पॉसिबिलिटी है कि मिल जाए उनको. और खाली जो कैटेगराइजेशन है स्टूडेंट वीजा के अंदर भी बहुत लोग अपॉइंटमेंट चेक कर रहे हैं. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट वर्क वीजा के अंदर भी बहुत लोग अपॉइंटमेंट अभी सर्च कर रहे हैं. एंड इफ आई टॉक अबाउट अदर कैटेगरी तो फिर उसमें उतना प्रॉब्लम होता नहीं है. स्लॉट्स आपके हमेशा अवेलेबल रहते हैं और क्योंकि उसमें रिक्वायरमेंट उतनी है एक बार स्लॉट्स ओपन होते हैं तो फुलफिल ही नहीं हो पाते हैं तो फिर उस कैटेगरी के अंदर प्रॉब्लम नहीं आता. और मेन प्रॉब्लम है आपका स्टडी और वर्क वीजा के अंदर तो इन्फॉर्मेशन उसकी चेक कर लेते हैं अभी. सो द थिंग राइट नाउ इज साइट इज वर्किंग प्रीटी फाइन. तो फिर ओटीपी लॉग इन हो रहा है ओटीपी आ गया. एक बार आपको मैं एंटर करके शो कर देता हूँ द साइट इज वर्किंग प्रीटी फाइन. और जो भी आपके प्रोसीजर हैं आप उसको फॉलो करो आपको प्रॉब्लम नहीं होगा. 788 498
बहुत सारे कैंडिडेट्स होते हैं जिनको लॉगिन इशू होता है, बट थिंग इज कुछ पैरामीटर्स हैं इसके, अगर वो फॉलो नहीं होते हैं तो फिर थोड़ा प्रॉब्लम आता है, अदरवाइज लॉगिन इंडिया के अंदर से आपका इजीली हो ही जाता है। एक बार न्यू बुकिंग करके चेक करते हैं। सो आई डू वन थिंग, आई विल मेंशन द रैंडम डिटेल्स। डेट ऑफ बर्थ और जो आपका अपॉइंटमेंट आप बुक करते हैं, जो पासपोर्ट है, पासपोर्ट की वैलिडिटी बहुत मैटर करती है। अगर कल मैंने ट्राई किया था जैसा मैंने आपको बताया, तो उसमें प्रॉब्लम क्या है, अगर आपका पासपोर्ट रिसेंटली एक्सपायर होने वाला है, अगर रिसेंटली आपको बोलूँ 1-2 महीने के अंदर या फिर कम टाइम ड्यूरेशन है उसका, तो फिर आपका अपॉइंटमेंट बुक नहीं होता है। सो दिस इज अ न्यू प्रॉब्लम दैट इज हैपनिंग। पहले ऐसा होता था, पहले जो पुराना वाला इंटरफेस था उसमें इशू नहीं आता था, बट राइट नाउ दिस प्रॉब्लम इज हैपनिंग अलॉट। 9 0 9 0 9 0 9 So this is how the process works. Passport number, just give me a moment. 1 2 3 4 5 6 7 9 कर देते हैं, चलो पासपोर्ट एक्सपायरी डेट मेंशन कर देते हैं इसमें 34। सो राइट नाउ वी हैव ऑन द इंटरफेस और नेशनल वीजा के अंदर एक बार चेक करके देख लेते हैं व्हाट इज हैपनिंग राइट नाउ। जो नेशनल डिपेंडेंट है इसके अंदर जो कैटेगराइजेशन है, अभी साउथ के सारे सेंटर हैं इसमें, मुंबई, कोलकाता, हैदराबाद, चेन्नई, बैंगलोर, अहमदाबाद, और इसके अलावा नेशनल एम्प्लॉयमेंट के अंदर चेक करें, अभी ओपन नहीं है, बट 2 बजे तक आप चेक करो क्योंकि अभी 10:57 हो रहा है। द टाइम इज अराउंड 10:57 AM इन द मॉर्निंग, और तभी हो सकता है प्रॉब्लम, अदरवाइज नेशनल अदर के अंदर आपके 4 स्लॉट्स सेंटर्स अवेलेबल हैं। अगर नेशनल PhD के अंदर देखें तो उसमें आपके 5 सेंटर्स अभी अवेलेबल हैं। एंड द अदर कैटेगराइजेशन इज दैट इज मोस्टली ऑन डिमांड, वो है आपकी नेशनल स्टडी। नेशनल स्टडी के अंदर अभी कहीं के भी स्लॉट्स ओपन नहीं है, सो हाई चांसेस हैं अभी दोबारा ओपन हो। सो यू कैन डू वन थिंग, आप अपना पूरा स्लॉट्स वगैरह चेक करते रहें, और इसके अलावा द थिंग इज थोड़ा वेट करो, फिर देखते हैं क्या सिनेरियो रहता है, और इंटरवल में आप चेक करते रहें, डिफरेंट 5-10 मिनट के इंटरवल में, 15 मिनट के इंटरवल पर आप चेक करते रहें, और मल्टीपल आप टाइम लॉग इन कर सकते हैं। और थोड़े पैरामीटर्स हैं, यू ऑल्सो नो अबाउट दैट, कि आपके जो लॉग इन करना, लॉग इन आपको कैसे करना है। अगर आपका एक बार सेशन टाइम आउट हो जाता है, देन डू वन थिंग, यूज़ अ न्यू डिवाइस एंड यूज़ अ न्यू ईमेल आईडी, जैसा मैं हर वीडियो में आपको बताता हूँ, और वैसे ही आप पूरा प्रोसेस अपना चेक करें। सो देर इज नो श्योरिटी दैट यू विल गेट द अपॉइंटमेंट टूडे, बट स्टिल इफ यू हैव द वर्क परमिट एंड यू आर लुकिंग फॉर अपॉइंटमेंट, तो फिर आप चेक करते रहो, कोई श्योरिटी वगैरह कभी रहती नहीं है। एंड देन अगर एक बार अपॉइंटमेंट आप चेक कर लेते हैं, तो उसके बाद क्या करो, अपना सेशन लॉग आउट कर दो, अदरवाइज कीप ऑन फॉलोइंग द कॉमेंट सेक्शन, उसमें अपडेट मिलते रहता है, और अगर स्लॉट्स आपके ओपन होते हैं तो आपको पता चल जाएगा, अदरवाइज देखो फिर क्या होता है, फिर नेक्स्ट वेंसडे का आपको वेट करना पड़ेगा। और जो इन्फॉर्मेशन वगैरह इनकी जो यहाँ पे शेयर करते हैं, दे से दैट दे आर गोइंग टू रिलीज द स्लॉट्स ऑन वेंसडे, दैट्स नॉट हाउ द प्रोसेस वर्क्स। ये तो एक इनका स्टैंडर्ड टाइम है जिसमें इन लोगों ने बता दिया, अदरवाइज कभी भी स्लॉट्स ओपन कर देते हैं। अगर पास्ट में भी जैसे मैं आपको बताता हूँ, कोई चीज़ इनकी स्ट्रीमलाइन नहीं चलती, अगर लास्ट वीक का आप देखें तो जो मेजर रिक्वायरमेंट थी आपकी साउथ सेंटर में, बहुत टाइम से आपका देखा जाए तो वर्क वीज़ा, स्टूडेंट वीज़ा, ये 2 कैटेगराइजेशन ऐसी हैं जिसमें अपॉइंटमेंट मस्ट रिक्वायर्ड है, बट थिंग इज सब लोगों ने वेट करा 1-2 घंटे के अंदर, बट अपॉइंटमेंट इन लोगों ने रिलीज़ नहीं करे उस कैटेगरी के अंदर, उसकी जगह किसी और कैटेगरी के अंदर इन लोगों ने अपॉइंटमेंट रिलीज़ कर दिए, और अपॉइंटमेंट उस कैटेगरी के भी अंदर नहीं कह सकता हूँ रिलीज़ करें, जो अदर कैटेगरीज थी उसमें अपॉइंटमेंट ऑलरेडी अवेलेबल थे। तो वैसे ही इन लोगों ने आज भी एक अपॉइंटमेंट, एक यहाँ पर नोटिफिकेशन निकाल दिया कि वेंसडे के दिन हम अपने स्लॉट से रिलीज़ करते हैं, बट इन लोगों ने नॉर्थ ज्यूरिडिक्शन के लिए मेंशन करा, जो साउथ वाले हैं वो भी चेक करो, स्लॉट्स आपके ओपन हो सकते हैं, ऐसा जो SOP है, नथिंग वर्क्स लाइक द स्टैंडर्ड प्रोसीजर। और सिटी वालों को जैसे मैं हर बार कहता हूँ कि आप मंडे टू फ्राइडे अपना स्लॉट्स वगैरह आप चेक करते रहो, कभी भी स्लॉट्स ओपन हो सकते हैं, सो दैट्स हाउ द प्रोसेस वर्क्स। और इसके अलावा वन एवर आल गेट टाइम आल क्रिएट अ सेशन फॉर यू गाइज वेयर एंड आल शो यू हाउ द अपॉइंटमेंट लेटर लुक्स लाइक, और क्या क्या पैरामीटर्स हैं आपको उसको चेक करने पड़ते हैं, और आप कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं आपका ओरिजिनल है, अब जो अपॉइंटमेंट लेटर आपको मिला है फेक है। अपार्ट फ्रॉम दैट देर आर अदर थिंग एज वेल, सो यू विल गेट टू नो अबाउट दैट थिंग। और प्रोसेस बहुत ईजी है, बट थिंग इज गेटिंग अपॉइंटमेंट इज वेरी डिफिकल्ट। अभी मैं इसको लॉग आउट कर देता हूँ,
एंड देन आई डू वन थिंग, अभी थोड़ा टाइम बाद 11 बज गया, अब 11 बज के 1 मिनट है, अब लॉग इन करना आप लोग भी स्टार्ट करो और 2 बजे तक चेक कर लो इफ़ यू हैव टाइम, अदरवाइज फॉलो द कॉमेंट सेक्शन। अगर कोई लॉग इन करता है अपॉइंटमेंट अगर ओपन होंगे तो आपको 3 घंटे के अंदर पता ही चल जाएगा आपको अगर स्लॉट्स वगैरह रिलीज होते हैं तो। एंड अगर आपको आपके पास टाइम है तो यू कैन चेक द अपॉइंटमेंट, क्योंकि जो अपॉइंटमेंट आपके ओपन होंगे तो 2-3 मिनट के लिए ओपन होते हैं और बुक हो गए तो सही, फिर अदरवाइज आपको वेटिंग करना पड़ेगा, अदरवाइज ग्लिच आ जाएगा आपका उसमें। सो दैट्स हाउ द प्रोसेस इज वर्किंग राइट नाउ। तो एक वीडियो बनानी थी मेरे को अपॉइंटमेंट के रिगार्डिंग, और अवेयरनेस वीडियो बनाता हूँ हर वेंसडे को, और सो आई क्रिएटेड अ सेशन फॉर यू गाइस एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट। आप चेक करो, अगर मिल जाता तो सही, अदरवाइज फिर आपको नेक्स्ट वीक का वेट करना पड़ेगा।